आकाशवाणी प्रस्तुत करता है कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम, लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। पहली बार मतदान करना है, अपना फर्ज निभाना है, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाना है, वोटर कार्ड बनवाना है। हमारे सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फर्स्ट टाइम वोटर्स के बारे में। फर्स्ट टाइम वोटर तुम जागरूक रहना, वोटर बनो तुम बस इतना है कहना। वोटर्स हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर लो, फॉर्म 6 भर लो, वोटर लिस्ट में नाम एनरोल कर लो, काम ये कर लो, जिम्मेदारी समझो, लेजी मत बनो, जोश दिखाओ तुम, फर्स्ट टाइम वोटर वोट देने जाओ तुम। युवा, आपने कभी गौर किया है कि इस नाम में कितना भाव है, कितनी ऊर्जा है? शायद इसीलिए युवा का उल्टा वायु है। एक युवा के जीवन में सब कुछ एकदम नया नया होता है, उसमें ऊर्जा की अधिकता पर अनुभव की कमी होती है। और आज हम उसी कमी को अपने ज्ञान की नमी से दूर करेंगे और जानेंगे कि एक युवा से मतदाता बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में, और वो भी एक कहानी के माध्यम से। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सौम्या के घर। अरे सौम्या, तो अभी यही खड़ी है, मेहमानों के आने का टाइम हो गया है, चल जल्दी तैयार हो जा, आज पूरे फंक्शन में तू ही तू दिखनी चाहिए बस। हाँ। अरे मम्मी, बर्थडे ही तो है, कौन सा बड़ी बात है, और वैसे भी बर्थडे हर साल ही आता है। अरे हाँ हाँ आता होगा, मगर ये तेरा 18वां जन्मदिन है, लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि अब तो बच्ची नहीं रही। लेकिन आंटी, मुझे तो पता चल गया। आजा अंजू, तेरा इंतजार कर रही थी मैं। अंजू की बच्ची, मेरे लिए कुछ गिफ्ट भी लाई है या यूं ही आ गई खाली हाथ? बिल्कुल लाई हूँ, ये ले गिफ्ट, फॉर्म 6। फॉर्म 6? हैं? ये क्या तोहफा हुआ भला? अरे कोई साज सिंगार का सामान लाती भाई। आंटी, ये भी तो साज सिंगार का ही सामान है। अच्छा, इससे क्या सजता है? देश। देश क्या? हाँ आंटी, ये फॉर्म 6 है, मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल में अपना नाम चढ़वाने के लिए भरा जाता है। देश का हर वो नागरिक जो 18 साल का हो चुका है, इस फॉर्म के थ्रू वोटर बन सकता है। अरे वाह, यानी अब मैं भी वोटर बन जाऊंगी अपना वोट देकर, और नहीं तो क्या। हाँ, जल्दी बता अंजू, ये फॉर्म मुझे भरना कैसे है? बस अपनी कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स इसमें भर दे, और साथ ही अपनी फोटो, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र, इन सब की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ जमा कर दे। वो तो ठीक है अंजू, मगर ऑफिस के चक्कर कौन काटेगा फिर? अरे तुझे कहीं के चक्कर नहीं काटने, वैसे भी आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। तू चाहे तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट eci.gov.in पर भी जा सकती है, और उससे भी आसान, इनका एक मोबाइल ऐप भी है। कौन सा मोबाइल ऐप? वोटर्स हेल्पलाइन ऐप। ओह, मुझे ये पहले से पता होता तो मैं पहले ही करा लेती। अब तुझे अवेयरनेस ही नहीं थी तो कैसे करती? क्या मतलब, तुम ये कहना चाहती हो कि मैं 18 साल की होने से पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती थी? हाँ, देख, ये जरूरी नहीं है कि 18 साल के होने के बाद ही आवेदन किया जाए, 17 साल के यंगस्टर्स भी इस फॉर्म 6 के थ्रू अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। 18 साल के होते ही उनकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपने आप मतदाता सूची में अपडेट हो जाएंगी। ओह, तो ये बात है। फिलहाल तो यही बात है। हाँ तो दोस्तों, सौम्या ने तो तैयारी कर ली है देश का फॉर्म यानी फॉर्म 6 भरने की और देश के टीम में शामिल होने की। तो आप भी वेट मत कीजिए और जल्दी से फॉर्म 6 भरिए। लेकिन सौम्या की मम्मी के मन में तो कुछ और ही चल रहा है, आइए सुनते हैं। अरे मैं तो सोच रही थी कि अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, तू ही सौम्या को समझा देगी कि अब वो सियानी हो गई है, और तू तो अपना ही राग अलापने लगी।
हाँ आंटी, अब सौम्या सयानी ही नहीं इंटेलिजेंट भी हो गई है। थैंक यू। हाँ भाई, अब तो तुम वोटर बनने वाली हो। बिल्कुल। पता है आंटी, इसने वोटर हेल्पलाइन ऐप भी डाउनलोड कर लिया जी, है। हाँ। हे भगवान, ये लड़कियाँ भी ना दोनों ही एक ही थाली की चट्टी पट्टी है। मैं तो ये कह रही थी कि आज इतने सारे रिश्तेदार घर पे आने वाले हैं, तो मैं तो चाहती हूँ कोई अच्छा सा लड़का इसे मिले और इसकी शादी हो जाए बस। मम्मी। अरे आंटी, आप अभी से कहाँ इसकी शादी वादी के चक्कर में पड़ गई हो, अभी तो इसे बहुत कुछ करना है। क्यों सौम्या? सही बात। क्या खाक सही बात? आंटी अब मेरी बात तो सुनिए, सौम्या सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ी होगी, उसके बाद ही ये सब सोचना आप। हेटा, तेरे हाथ में जब मैंने कागज देखा मैं तो बहुत खुश हो गई थी, मुझे लगा कि तू किसी लड़के का बायोडाटा वगैरह लाई है इसके लिए। लाई हूँ ना बायोडाटा, और लड़का NRI है। सच्ची? मुच्ची आंटी। पर लड़का सौम्या के लिए नहीं है, बल्कि ये फॉर्म उस लड़के के लिए है, मेरे भाई का एक दोस्त है। मगर अंजू, ये फॉर्म है क्या? ये फॉर्म 6A है, ये भारत के उन नागरिकों के लिए है जो विदेश में रहते हैं। अच्छा। इन्हें ओवरसीज इंडियंस कहते हैं, और फॉर्म के थ्रू ये भी अपना एनरोलमेंट आराम से करवा सकते हैं। ओ, तो 6A फॉर्म ना NRI लोगों के लिए है। तो कोई दूसरा फॉर्म BB होता होगा। हाँ आंटी, 6BB एक फॉर्म है। अरे ले, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था कि ये फॉर्म की ABCD ना शुरू कर देना। अब आपने बोल ही दिया है तो सुनी लीजिए आंटी, अगर कोई अपना आधार कार्ड अपने इलेक्टोरल रोल से लिंक करवाना चाहता है तो वो ऐसा फॉर्म 6B के थ्रू आसानी से कर सकता है। अच्छा। हाँ, पर ये करवाना कंपलसरी नहीं है, इसका पर्पस तो बस इतना है कि आपकी सारी डिटेल्स एकदम करेक्ट हो। अरे तो मेरा तो बना हुआ है वोटर आईडी, इसे कर देना आधार से लिंक। लो मम्मी, नेकी और पूछ अभी भरते हैं फॉर्म 6B। हाँ, तो शुभ काम में देर कैसी। चलो चलो अभी भरते हैं। तो दोस्तों, सुना आपने कैसे अंजू ने सौम्या और उसकी मम्मी को वोटर लिस्ट में एनरोलमेंट के बारे में जागरूक किया। इसी तरह आप भी वोटर लिस्ट में अपना नाम एनरोल करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट eci.gov.in या अपने मोबाइल पर वोटर्स हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। ये मोबाइल ऐप iOS और एंड्रॉयड दोनों पर उपलब्ध है। अभी मेरे साथ युवा हैं जो इस बार फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं, आइए जानते हैं और उनका परिचय लेते हैं। मेरा नाम मान्या गुप्ता है, मैं 19 साल की हूं और मैं यहां AV नगर में रहती हूं। तो मान्या, ये आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए? मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और मेरा आईडी भी बन चुका है। मान्या, आपके घर पर कोई ऐसा अधिकारी आया था जिसने आपको अप्रोच करा था वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए, या आपने कोई और प्रोसेस का सहारा लिया? हमने वोटर आईडी ऑनलाइन बनाया था, प्रोसेस बहुत सिंपल है और इजी टू यूज़ है, आराम से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, फोटो डाल सकते हो और वो जो आईडी है वो आपको अपने पास मिलेगा। बहुत सिंपल कर दिया और बहुत ईजी कर दिया है। आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम राज भाटी है और मैं 19 साल का हूँ और इस बार मैं पहली बार मतदान करने जा रहा हूँ। पहचान पत्र मैंने पाने की कोशिश की थी ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा, लेकिन आधार कार्ड में एक फॉल्ट की वजह से अभी तक वो मिल नहीं पाया, क्योंकि अभी उसमें कुछ अपडेट करना बाकी है और मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म नंबर 6 है जो आप इजीली भर सकते हैं और आपको किसी भी ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली उस चीज़ को भर सकते हैं और वो घर बैठे आपकी जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। नहीं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ इस बारे में, ये सर्विस वाकई में बहुत हेल्पफुल होगी और मैं ज़रूर इसे फॉलो करूँगा। हम बात कर रहे हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार के साथ। जो हमारे यंग वोटर्स हैं, जिनकी 18 साल की आयु पूरी होने पर जो निर्वाचन सूची में नाम लिखा सकते हैं, उनके लिए 1 जनवरी ऑफ एवरी ईयर वो एक डेट होती थी क्वालिफाइंग, अब उसको साल में 4 बार कर दिया गया, यानी हर क्वार्टर में वो वोटर बन सकते हैं। तो अगर किसी की जन्म 2 जनवरी को होती थी तो उसको 1 साल वेट करना पड़ता था वोट देने के लिए, अब हर क्वार्टर के फर्स्ट में बन सकते हैं। तो अगर सबके प्रयास से उनको 4-4 बार वोटर बनने की सुविधा दी जा रही है, और अब तो निर्वाचन आयोग ने यह भी किया है कि अगर आप 17 साल हो चुके हैं
तो अगले साल के लिए एडवांस में अपना नाम का वो भर दीजिए। वोटर आपको तभी बनेंगे जब आप 18 के होंगे, लेकिन उसको हमारी मशीनरी अपने पास रखेगी प्रोसेस करके, और जिस दिन आप 18 होंगे आपको काइंड ऑफ ए बर्थडे गिफ्ट भेज देगी एक इलेक्शन कार्ड के रूप में। लेकिन हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको वोटर बनाने में, तो यंग वोटर्स का भी दायित्व है कि वो जरूर आए। और जैसे कोई भी विरोध या कोई भी समर्थन करने के लिए सोशल मीडिया पे थम्स अप करते हैं या कैंडल जलाते हैं, तो उस तरीके से कम वोटर बूथ पे आके भी अपना वोट जरूर डालें। अधिकार हमारा वोट डालना ना कोई मजबूरी है, 18 वर्ष होने पर पंजीकरण जरूरी है, फॉर्म 6 भर कर देना, BLO ERO को यही सोचना देना, तुम दोस्त रिलेटिव यारों को, हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान, हम भारत के मतदाता। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है आपसे आज का सवाल पूछने का, जो जुड़ा है आज ही के कार्यक्रम से। इनमें से कौन सा फॉर्म वोटर्स रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है? अब आप ऑप्शन सुन ले, फॉर्म 6A, 6B या फॉर्म 6। सवाल एक बार फिर सुन ले, इनमें से कौन सा फॉर्म वोटर्स रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है? फॉर्म 6A, 6B या फॉर्म 6। और आप हमें अपने जवाब इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं 9999039509 9999031950। पिछले एपिसोड के सवाल का सही जवाब है फॉर्म 8 और विजेता का नाम है शीला पटेल मध्य प्रदेश। आपको बहुत बहुत बधाई। और अब इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपको पता है भारत के मूल संविधान में वोटर बनने की न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन के बाद ये न्यूनतम उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और ये नए बने वोटर्स ने साल 1989 में 10वें आम चुनावों में अपना पहला वोट दिया। एना इंटरेस्टिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अभिनेता पंकज त्रिपाठी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरा वोटर आईडी बना था और जब पहली बार सोच विचार कर विवेकपूर्ण होकर वोट दिया था, मतदान किया था। शूटिंग के सिलसिले में चाहे मैं कहीं भी रहूं, पर अपना वोट देने हमेशा सही समय पर मतदान केंद्र पहुंच जाता हूं। तो दोस्तों आपसे आशा करते हैं कि आप भी अपने आसपास वोटर अवेयरनेस के लिए प्रयास करेंगे ताकि कोई भी मतदाता छूटने ना पाए। लोगों को बताइए कि उनका एक वोट देश की तरक्की का साधन बन सकता है, देश को एक नई दिशा दे सकता है। इसलिए मतदाता अवश्य बने और समय आने पर अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। हाय, मैं हूं मानव गोयल। मैं आप सभी से अपील करना चाह रहा हूं कि लाइफ में ना बहुत से काम हम पहली बार करते हैं, तो अपना पहला वोट डालने में कोई आलस ना करें। फर्स्ट टाइम वोटर्स से अपील है कि अपना पहला वोट देने में कोई चूक ना करें। आज ही अपना नाम वोटर्स लिस्ट में एनरोल करें और पहला वोट जरूर डालें। लेजी ना कहलाऊंगा, फर्ज निभाऊंगा, फर्स्ट टाइम वोटर हूं, एनरोलमेंट कराऊंगा। वोटर्स हेल्प एन ऐप डाउनलोड कर ली है, फॉर्म 6 भर के तसल्ली कर ली है, नाम वोटर लिस्ट में अब मेरा आएगा, बंदा ये बिंदास है वोट देने जाएगा। इसी के साथ अब हम लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम, लोकतंत्र का सिस्टम, मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, ऐसा नया कनेक्शन, मतदाता जंक्शन #, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन #, मतदाता जंक्शन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मतदाता जंक्शन।
अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।